अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक इंसान जॉब न्यूज़। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप जान सकते हैं हमारे पास क्या वैकेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको वैकेंसी के बारे में बताते हैं। जो वैकेंसी है वो मलेशिया के लिए है। मुझे मलेशिया में हेल्पर चाहिए, रेस्टोरेंट हेल्पर, किचन हेल्पर और वेटर, इस तरह के लोग चाहिए जो अर्जेंट में जा सकते हैं, जो रेडी हैं कि हाँ कल आके अप्लाई कर सकते हैं या परसों आके अप्लाई कर सकते हैं या परसों आके मेडिकल करा सकते हैं, तो वो लोग चाहिए। डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू कोई सीवी सिलेक्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। आपको हमारे ऑफिस आना है। इसमें सैलरी जो है आपको 1300 रिंगिट सैलरी मिलेगी। जो हेल्पर, जितने वेटर हो, हेल्पर हो, किचन हेल्पर, उनको 1300 रिंगिट सैलरी मिलेगी। 12 घंटे का काम होगा, महीने में 2 छुट्टी होगी, 3 टाइम भी खाना आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। और ये 2 साल, 5 साल, आप 5 साल आप रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, ठीक है। 1 साल, 1 साल पर आपका वीज़ा रिन्यूअल होगा, ठीक है ना। 5 साल का वीज़ा मिलेगा आपको, तो आप बिंदास होकर यहाँ मलेशिया में काम कर सकते हैं। यही के काम थोड़ा आपको रेस्टोरेंट काम है, जो रेस्टोरेंट काम कर रहे हैं उनको अच्छा मालूम होगा। जो फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एज लिमिट जो है 19 के बाद ले सकते हैं, 19 से लेकर 45 साल तक उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 1300 रिंगिट सैलरी मिलेगी। फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है सब कंपनी तरफ से, वीज़ा कंपनी तरफ से। महीना में 2 छुट्टी, किचन हेल्पर, वेटर, रेस्टोरेंट हेल्पर, इस तरह के लोग चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, और जिनका पासपोर्ट ECR है या ECNR है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आपको आफ्टर वीज़ा पेमेंट करना है, लेकिन उससे पहले आप हमारे ऑफिस विजिट करके आपको मेडिकल कराना होगा। अगर आप मेरे ऑफिस विजिट किए, ऑफिस विजिट करके फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हमारे बंदे जाकर मेडिकल करा देंगे। तो मेडिकल करा लेने के बाद मेडिकल पासवर्ड वगैरह जमा कर देना, चाहे वीज़ा आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, ठीक है दोस्त। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप जान सकते हैं हमारे पास क्या फैक्स है, ठीक है दोस्त। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नए वैकेंसी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।